अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिंगर नकी अली खान, ग्रैंड सन ऑफ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, एज यू ऑल नो। तो आज मैं बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ, और इसमें जो है हम लोग बात करेंगे, मैं बात करूँगा अपने घराने के बारे में, विच इज़ कसूर पटियाला घराना। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी हैं और जानना चाहते हैं, हमारी खासकर आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है या कुछ जो लोग इससे वाकिफ नहीं हैं। तो मैं अब आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारा घराना, कसूर पटियाला घराना जो है वो वजूद में आया, और किस तरह से जो हमारे बुजुर्गों का कंट्रीब्यूशन है इस कसूर पटियाले घराने में, जिसके बहुत ही लीडिंग और प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हुए हैं और हैं, जिनमें मेरे परदादा खासकर उस्ताद अली बख्श खान साहब और उस्ताद उनके छोटे भाई उस्ताद काले खान साहब, और उसके बाद उन्होंने जो है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब माय ग्रैंडफादर, एंड उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब, और फिर मेरे चचा उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब ने इस घराने को आज की सदी में बहुत फ़रोग दिया और इनसे घराने की गायकी को बहुत फ़रोग हासिल हुआ। और बहुत सारे लोग बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में कहते हैं और जानते भी हैं, और कुछ नहीं भी जानते और कुछ कहते भी हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इररेलेवेंट भी है कि उन्होंने बहुत सारे दूसरे लोगों से भी गाना सीखा, जो कि मैं अभी आपसे बात करूंगा। खैर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब 1902 में कसूर में पैदा हुए, और 2 अप्रैल, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, 2 अप्रैल 1902 को वो कसूर में पैदा हुए। कसूर इज़ अ स्मॉल टाउन जो एक लाहौर से कुछ देर के फासले पे है, और मौसीकी उनके रूह में शामिल थी, बाय बर्थ उनको कुदरत ने ही अता किया था, और फिर जब उनके वालिद विच इज़ माय ग्रेट ग्रैंडफादर उस्ताद अली बख्श खान साहब ने जो कि वो हर वक्त, वो खुद भी बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट थे उस टाइम के, और वो हर वक्त गाते थे, और जब उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर बड़े गुलाम अली खान साहब ने अपने वालिद को सुना, तो वो बचपन से ही, छोटे होते ही उससे इतने महजूज हुए कि वो बचपन से ही गाने लग गए। और जब परदादा जी ने देखा कि जी बड़े गुलाम अली खान साहब उनके बेटे बहुत शौक रखते हैं और इसको अपनाना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको शुरू करवाया, और ख़ासकर वो अपने चचा उस्ताद काले खान साहब के साथ बहुत अटैच थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, और शुरू की तालीम उन्होंने अपने चचा उस्ताद काले खान साहब से सीखी। और काले खान साहब ने उनको शुरू के जो तालीम थी वो करवाई, पलटों का रियाज और बंदिश शुरू करवाई, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्लासिकल में पहले तो वॉइस कल्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता था और आज भी है, लेकिन पहले जो लोग थे वॉइस कल्चर पे बहुत ध्यान देते थे। वॉइस कल्चर से मुराद हमारी ये है कि आवाज़ को इतना खूबसूरत पहले तो बनाया जाए, सुरों को पक्का किया जाए, ताकि जहाँ भी फिर हम ज़ेहन से किसी इरादे को, किसी तान को, किसी हरकत या मुर्की को कहना चाहे, तो वो खूबसूरती से और सुर में और लय में वो अदा हो सके, उसको हम कह सकें। तो ये शुरू की तालीम जो थी वो उस्ताद काले खान साहब ने बड़े गुलाम अली खान साहब को दी। उसके बाद, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि काले खान साहब, एक म्यूज़िक फेस्टिवल था जिसके लिए वो कानपुर गए, और 1920 में उनका इंतकाल हो गया फॉर सम हाउ, तो बड़े खान साहब बहुत रंजीदा हुए, क्योंकि वो अपने चचा काले खान साहब से बहुत, उस्ताद काले खान साहब से बहुत अटैच भी थे। तो उसके बाद फिर उनकी जो म्यूज़िक की तालीम थी वो अपने वालिद उस्ताद अली बख्श खान साहब से शुरू हो गई, और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने वालिद उस्ताद अली बख्श खान साहब से ही गाने की तालीम हासिल की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी वो कभी
इधर से उन्होंने लिया, कभी उधर से लिया, जबकि हम सभी जानते हैं बड़े खान साहब का YouTube पे भी इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उनसे पूछा गया, नैना देवी जी ने पूछा, खान साहब आपने किससे सीखा गाना, तो वो कहने लगे कि मैंने सिर्फ अपने चचा उस्ताद काले खान साहब और अपने वालिद उस्ताद अली बख्श खान साहब से सीखा, जो कसूर घराने के बहुत बड़े गायक हुए हैं, और उन्हीं से मैंने सीखा। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने किसी और से भी सीखा, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने किसी और से नहीं सीखा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं या बातें करते हैं कि जी उन्होंने किसी और से भी सीखा, तो ऐसा नहीं है, बड़े खान साहब ने सिर्फ अपने वालिद और अपने चचा से गायकी को, मौसीकी को सीखा।